सेवा भारती डोडा ने शुरू की एम्बुलेंस सेवा। सेवा भारती डोडा ने डोडा जिले में आम जनता के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। डोडा में आयोजित एक समारोह के दौरान उपायुक्त डोडा विकास शर्मा, उपाध्यक्ष संगीता रानी ने एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। भविष्य में डोडा जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए अपनी सेवाओं के प्रबंधन के लिए एम्बुलेंस को एनजीओ को सौंप दिया था। इस अवसर पर एडीसी डोडा, सीएमओ डोडा के अलावा एनजीओ के सदस्य अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे देश के लिए काम कर रही है, हमारे जिले के लिए काम कर रही है, तो उसके लिए जो भी हमारा समय होगा, रिसोर्सेज होंगे, जिस भी तरह का होगा, तो उसमें हमें बड़ी खुशी होगी कि हम उनके साथ एसोसिएट रहें। सोनी साहब ने बड़ी डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। रिलाइज करके सहारा इंडिया को यहाँ लाया है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यहाँ के हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और एमओएस हैं हमारे। चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो इमिडिएटली जो थी अवेल की गई उसमें। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जितना हमारा यूथ है या बाकी लोग हैं, वो सेवा भारती एनजीओ के साथ जुड़े, क्योंकि कितने पेशेंट देखे और कितने टेस्ट हमने किए और कौन से इम्पोर्टेंट टेस्ट थे जो इस एरिया में जरूरी थे, क्योंकि लोगों ने लोकल मुझे पता था कि किस एरिया में। कि हम किश्तवाड़ में जब था तब वहाँ पे ओम शुक्ल रम नमः। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।